हेलो मेरे प्यार बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक और मजेदार सैंपल पेपर को देखने वाले हैं। इससे आपको काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा बच्चों कि आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, रियल का पेपर है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको क्या करना है, कहां पर कैसे प्रश्नों को करना है, जहां आवश्यकता हो समीकरण लिखना है। ये सब क्या है, बेसिक से आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, इसको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, ये आपको भी पता है, और आपके 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी 6 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न से ही निर्धारित हैं। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक क्रिस्टलन यहां या एक क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये क्या कह रहा है कि इज नॉट इक्वल 90 डिग्री, तो यह तंत्र कौन सा है। देखिए बच्चों, हमने पहले भी बताया था कि पहले चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसके पहले जो एक हमने मॉडल पेपर हल किया उसमें भी इसी से रिलेटेड था, ठीक, लेकिन उसमें यही संबंध पूछ लिया था। और इसमें यह पूछ रहा है कि अगर ये ए बराबर बी बराबर सी, भुजा ये बराबर है और इनके बीच जो कोण है अल्फा बीटा गामा, ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो ये तंत्र कौन सा होगा। ऑप्शन है षटकोणी या फिर रोम्बोहेड्रल या फिर चतुष्कोणी या फिर मोनोक्लिनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या है, रोम्बोहेड्रल। जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में बच्चों कंप्लीट जो कोर्स करके हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है केमिस्ट्री के लिए, उसमें सारे वीडियो हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है किस 0.1 कह रहा है ये मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, किसके लिए न्यूनतम होगा। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, यूरिया, पोटेशियम सल्फेट या फिर ग्लूकोज। ध्यान देना बच्चों, यूरिया और ग्लूकोज तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है, अवाष्पशील, ठीक, पदार्थ हैं, ठीक, और बाकी NaCl ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक, ऑप्शन ये 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कह रहा है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, यानी वेग स्थिरांक, अब वेग स्थिरांक मतलब क्या, अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, ठीक, कह रहा है कि अगर ताप बढ़ाया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जब भी हम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को बढ़ाते हैं, मतलब अगर उसको कहते हैं, कहने का मतलब अगर ताप हम बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इससे रिलेटेड ये जो आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा, ठीक, या तो स्टार्टिंग के 2 से 3 चैप्टर के बनते हैं या तो एकदम लास्ट के, बीच में से ज्यादा नहीं आते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा मोनोसैकेराइड है, ऑप्शन है लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये स्टार्च क्या है आपका, पॉलीसैकेराइड है, और लैक्टोज और ये जो माल्टोज है ये क्या है, डाइसैकेराइड है, और यहां से आपका जो मोनोसैकेराइड है वो है बच्चों फ्रक्टोज। ध्यान से समझना बच्चों, हमने बताया ना कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा भाई, किसी में मोनोसैकेराइड पूछ लिया तो किसी में पूछ लेगा डाइसैकेराइड, तो किसी में पूछ लेगा आपका पॉलीसैकेराइड। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, लैक्टोज माल्टोज जो है ये है आपके डाइसैकेराइड, और ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है कि जब एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल क्या है, सिरके का प्रमुख घटक है, आप सबको पता है, एसिटिक अम्ल को कह रहा है कि P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ठीक। आपके ऑप्शन है CH3CO का होल ट्वाइस O या फिर CH4 या CH3COCH3 या फिर कह रहा है CH3CHO। देखिए तो एल्डिहाइड और कीटोन मतलब ये क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक, और ये मेथेन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है बच्चों कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन, एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। देखिए अगर आपने अभिक्रिया वाला वीडियो देखा है तो आप इजिली इसको बिना सोचे समझे मार सकते हैं, हर एक सेट में एक अभिक्रिया से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना था पिछले वर्ष। तो ये ध्यान देना बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 13 उसको देख लेना, उसमें देखिए अगर हम बात करें एमाइड का एमीन में पूछ रहा है तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया,
दूसरा है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, तीसरा है वुड्स अभिक्रिया, या फिर कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया। तो ध्यान से समझना बच्चों कि एमाइड का एमीन में जो अभिक्रिया होता है परिवर्तन, वो है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। चलिए अब हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर वन के अंतर्गत आपके क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अब आपके शुरू हो जाते हैं यहां से। देखिए इसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होता फिजिक्स की तरह, फिजिक्स में एक नंबर वाले क्वेश्चन भी होते हैं, इसमें नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली एक के बाद यानी ऑब्जेक्टिव के बाद आपके दो नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, कह रहा है कि दो का कि क्रिस्टलीय ठोसों का अंतराणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए और हर वर्ग का एक उदाहरण, यानी जो अंतराणविक बल के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इसमें हमने जो बताया था, ठीक है ना, जो वीडियो हमने मैराथन बताई थी, उसमें क्या है कि आयनिक ठोस, उपसा संयोजक ठोस या जिसको नेटवर्क ठोस, ठीक, और उसके बाद धात्विक ठोस। तो सारे जो ठोस हैं सभी को क्या है एग्जाम्पल के साथ लिखना है। हालांकि इसको तीन नंबर या फिर चार नंबर में इसको पूछना चाहिए था, ठीक, तीन या चार, लेकिन इसको दो नंबर में पूछा है। तो कभी कभार बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही छोटे नंबरों में पूछ लेता है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमाएं। ये क्वेश्चन भी बच्चों ज्यादातर आपका तीन नंबर या फिर चार नंबर का पूछा जाता है। अब राउल्ट का नियम क्या है, रसगुल्लों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जितने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, ठीक है ना, हार्डी सुल्जे नियम, जितने भी नियम हैं उन सभी को हमने एक वीडियो में देखा है, लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, आप भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। ट्वेल्थ केमिस्ट्री कंप्लीट कोर्स जो प्लेलिस्ट बनाया बच्चों उसी में जाकर के आप अच्छे से देख लेना। तो राउल्ट का नियम क्या है, आप सबको पता है बच्चों कि जो राउल्ट का नियम होता है क्या कि जब किसी, ठीक है, राउल्ट का नियम यह कहता है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो कह रहा है कि प्राप्त विलयन में वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है, यानी पी नॉट अपान पी एस और अपान क्या हो जाता है पी नॉट, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है वो क्या होता है मोल प्रभास के बराबर होता है। यही जो नियम कहता है बच्चों ये क्या होता है राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम की कह रहा है कि इसकी सीमाएं क्या होती हैं, तो राउल्ट के नियम क्या है भाई, राउल्ट का नियम क्या वैद्युत अपघट्य विलयन पर लागू नहीं होता, ये केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, ठीक। ये क्या है तनु विलयन पर लागू होता है, यानी सांद्र विलयन पर नहीं। तो ये सभी क्या है बच्चों इसकी सीमाएं हैं, ठीक, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलराउस के नियम को समझाइए और इस नियम के दो अनुप्रयोग लिखिए। देखिए ये भी दो ही नंबर में पूछा है जबकि ये सारे क्वेश्चन तीन नंबर वाले हैं। ध्यान से समझना, इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि जितने भी नियम हैं एक ही वीडियो के माध्यम से। कोलराउस का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मान लेते हैं NaCl है बच्चों, साल्ट है, ये वैद्युत अपघट्य है, इसकी जो मोलर चालकता होगी अनंत तनुता पर, तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी वो क्या होगी उनके धनायनों। अब मान लेते हैं यहां पर क्या बच्चों Na है, Na पे प्लस होगा, ठीक है ना, यहां पर अनंत तनुता पर है और प्लस का करके यहां पर हो जाएगा Cl, Cl पे माइनस होता है। तो कोलराउस का नियम तो यही तो कहता है ना कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उनके धनायनों तथा ऋणायनों के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है, यही कहता है कोलराउस का नियम। और इसका अनुप्रयोग क्या है, कोलराउस का नियम क्या है कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में और वैद्युत अपघट्य की प्रकृति ज्ञात करने में यह क्या होता है अनुप्रयोग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित विभेद कीजिए, यानी अंतर बताना है। तो वास्तविक विलयन क्या होते हैं कोलाइडी, देखिए बच्चों वास्तविक जो विलयन होता है उनमें जैसे टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, अपोहन, पेप्टीकरण, ये सभी गुण नहीं पाए जाते हैं, कोलाइडी विलयन में ये सभी गुण होते हैं, ठीक। और वास्तविक विलयन में क्या होता है, ये वास्तविक विलयन एक समांगी विलयन होता है और कोलाइडी विलयन एक विषमांगी। वास्तविक विलयन का अगर हम बात करें बच्चों जैसे NaCl, भाई नमक का घोल है पता ही नहीं चलेगा, इसमें साल्ट कौन है पानी कौन है, मतलब कोई अंतर नहीं होगा विलय और विलायक में। लेकिन कोलाइडी विलयन में हम अंतर कर सकते हैं, जैसे दूध हो गया, दूध है, ठीक है ना, तो ये दूध क्या है कोलाइडी विलयन में आता है। तो ये चीज होता है बच्चों की वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरे का। देखिए तीसरे में भी अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर तीन में भी आपके क्या हैं, दो नंबर वाले ही प्रश्न हैं। आपके जो क्वेश्चन नंबर दो में भी आपके चार दो नंबर वाले प्रश्न थे और इसमें भी चार क्वेश्चन होंगे और सभी दो नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक, कह रहा है बच्चों बिंदु क्रिस्टल, हाँ ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और बात आपको बता दें बच्चों, जो 10 महत्वपूर्ण टिप्पणियां हमने बताई है, ठीक है ना, 10 या 8 ऐसे करके बताया है, सारी जो इंपॉर्टेंट टिप्पणियां है उसको देख लेना एक बार, ठीक है ना, सभी टिप्पणियां उसमें अच्छे से समझाया है। दूसरा कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, क्या होता है जब SO2 को Fe, ठीक है ना, ये आयन दिया गया है, लवण के जलीय विलयन में से प्रवाहित करते हैं, और दूसरा अमोनिया को क्लोरीन के अधिक के साथ गर्म करते हैं, तो केवल रिएक्शन लिखना है कि क्या होता है जब आप ये चीजें करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गा की प्रत्येक के दो दो उदाहरण देते हुए द्विक लवण, ठीक, द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर लिखिए। तो उपसंयोजन जो यौगिक वाला चैप्टर है, द्विक लवण का अगर हम बात करें बच्चों, तो द्विक लवण में क्या है, फिटकरी आता है भाई, जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं कि उपसंयोजक यौगिक मिलकर के एक लवण बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं द्विक लवण, ठीक है ना। और संकुल में क्या होते हैं, कई होते हैं और इनकी संरचना जटिल होती है, तो आपको इसको अंतर एग्जाम्पल के साथ अंतर समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो RNA भाई ये क्या, हालांकि टॉपिक बायोलॉजी का है लेकिन आपका जो लास्ट वाला चैप्टर है जैव अणु उसमें से है, ठीक है ना, है केमिस्ट्री का ही टॉपिक। नेक्स्ट है कि नष्ट या नष्ट समीकरण और इसकी उपयोगिता लिखिए, ठीक, तो जो आपकी टिप्पणियां बताई है बच्चों उसमें इस क्वेश्चन को भी बताया है, या फिर आपके जो तीन नंबर वाले क्वेश्चन में है उसमें हमने इसको अच्छे से समझाया है कि नष्ट समीकरण क्या होता है, और इस पर न्यूमेरिकल कई बार बताया बच्चों। अगर यहां पर नष्ट समीकरण की बात करें तो E बराबर है ना E नॉट और माइनस का 0.0591 अपान N, और उसके बाद लॉग बेस 10 होता है 1 अपान MN प्लस ये आयन, तो यही क्या है नष्ट समीकरण है। तो इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, क्या है जब इलेक्ट्रोड विभव वगैरह देकर के विद्युत वाहक बल पूछ लेता है। अगला है कि विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, और विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की क्रियाविधि, तो देखिए अधिशोषण सिद्धांत हमने कई बार बताया बच्चों, इसके पहले भी जो एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था बताया था, उसमें बताया था बच्चों ये क्या है, एक आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है ना। और यहां पर भी देखिए जैसे अभी बताया ना कि ये 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक, कभी कभार 2 नंबर में पूछता है जब केवल नष्ट समीकरण पूछा जाता है कि क्या होता है इतना। अगला में देख लेते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ABC यौगिकों के नाम व संरचना सूत्र लिखिए। यहां पर जैसे क्या है CH3COOH फिर NH3, इसके साथ जब गर्म करते हैं तो A यहां पर क्या है आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो आपको यह बताना है कि इन दोनों की क्रिया से A बन रहा है, तो यहां पर A होगा क्या, और फिर जब उसकी क्रिया इससे कराएंगे तो यहां पर जो B बनेगा वो क्या बनेगा, फिर जो बनेगा उसकी क्रिया इनसे कराएंगे तो C बनेगा, और C में क्या बनेगा, यही बच्चों आपको क्या है नाम लिखना है और उनका संरचना सूत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के दो गुणधर्म लिखिए का समीकरण लिखिए, और ग्लूकोज के कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड व कह रहा है कि एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो बच्चों यहां पर 3 नंबर में पूछा गया है लेकिन हमने आपको बताया था कि ज्यादातर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का का, 5 के का में बच्चों सारे क्वेश्चन यहां से आपके 4 नंबर वाले होंगे कि मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, और कह रहा है 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल यह दिया गया है को 500 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो विलयन के हिमांक की गणना करना है, और जल का जो मोलल अवनमन स्थिरांक दिया है बच्चों वो इतना दिया गया है, तो इसमें बच्चों हमने एक जो फार्मूला बताया था जैसे डेल्टा TF बराबर होता है 1000 गुड़े KF गुड़े स्मॉल W अपान M गुड़े कैपिटल W, तो ये क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक वाला है, और मोलल अवनमन स्थिरांक होता क्या है बच्चों, हमने बताया था ना कि जो हिमांक में अवनमन होता है, ठीक, कि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है हिमांक में अवनमन कहते हैं,
तो उसी से संबंधित। तो बच्चों ये परिभाषा आप लिखेंगे और इसी फार्मूले पर, मैंने बताया था बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले पर हर एक सेट में जरूर आएगा न्यूमेरिकल। ठीक, नहीं देखेंगे तो बाद में वही चिल्लाएंगे कि भाई हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने जो बताया कुछ आया ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, देगा तो किताब से ही देगा। अब आप नहीं पढ़े हैं तो आपको जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी, तो इस पर अच्छे से देख लेना बच्चों। हमने इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे करवाए हैं, जो ट्वेल्थ ऐसे केमिस्ट्री चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल अलग से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे न्यूमेरिकल को ही बताया है, अच्छे से देख लेना। ठीक, तो ये चार नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो देखिए पूछ लिया ना कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है, और सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसी, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण करने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है, यानी अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है, ये सिद्ध करना है। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला जो चैप्टर बच्चों, उसमें जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल उसमें हमने बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पष्ट कीजिए क्यों। देखिए हमने बताया ना कि कभी कभार आपके कारण वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और कारण वाले बच्चों आपके दो ही चैप्टर हैं, एक तो आपका है पी ब्लॉक के तत्व और दूसरा चैप्टर है बच्चों ठीक डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इन दो ही चैप्टर में आपके कारण वाले प्रश्न हैं, और दोनों चैप्टर को पी ब्लॉक के तत्व आप सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, सारे कारण हमने बताया है। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व जब आप सर्च करेंगे तो ये भी वीडियो मिल जाएगा। इन दोनों ही यही दो चैप्टर ऐसे हैं बच्चों जिसमें आपके कारण वाले प्रश्न उठते हैं। तो ये पूछा है कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व, देखिए संक्रमण तत्व है बच्चों। अब आपको भी पता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो संक्रमण तत्व हैं, तो कारण वाले क्या है प्रश्न उसी में का है कि नहीं, कि ये कह रहा है कि एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है, कारण दीजिए। अगला कह रहा है कि भाई ये क्रोमियम पे क्या है, चार्ज है, ये एक अपचायक है, जबकि ये मैग्नीज है, एक आक्षी कारक है। ठीक, तो ये आपको कारण समझाना है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिक के सूत्र लिखिए। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, चार नंबर में भाई साहब आपके दो क्वेश्चन, यानी इसका क्या है, इसका बच्चों कह रहा है कि सूत्र लिखना है और इसका भी सूत्र लिखना है। तो उपसह संयोजन यौगिक का जो IUPAC, इसमें आपका बच्चों IUPAC भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है उपसह संयोजक यौगिक वाले चैप्टर से, इसलिए इसको अच्छे से एक बार जरूर देख लेना। दो आपके जरूर होंगे, भले दो नंबर में पूछे, ठीक, तो ये जरूर पूछा जाता है। देखिए फिर से छठवें क्वेश्चन में, अब यहां से क्वेश्चन बच्चों आपके पांच नंबर वाले शुरू हो जाते हैं, लेकिन देखिए इसमें क्या है, फिर भी ये ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके तीन नंबर में या फिर बच्चों ये आपके दो नंबर में आता है, लेकिन यहां पर पांच नंबर में पूछ लिया है कि कारण स्पष्ट कीजिए कि हैलोजन रंगीन। तो हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, हमने बहुत अच्छे से समझाया बच्चों, देख लेना। और अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, इसको भी बताया है। ठीक, उसमें बच्चों इसी दो चैप्टर में जितने कारण वाले प्रश्न हैं सभी भरे हैं, एक बार अच्छे से आप देख लेंगे रसगुल्लों तो सारे कारण वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें दे दिया है कि क्या होता है जब, पहले में ये है और दूसरा में पूछ लिया बच्चों क्या होता है जब, केवल समीकरण लिखना, क्या होता है जब ZnO तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। दूसरा है कि फेरस सल्फेट विलयन में H2SO4 की उपस्थिति में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। अथवा में देखिए बच्चों, अथवा में आपका क्या दे दिया है भाई आपके, क्योंकि जो पांच नंबर वाले क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन में बच्चों आपके अथवा वाले जरूर होंगे भाई, एक ये होगा अथवा में कुछ ना कुछ देगा। तो अथवा में पूछा है कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की रासायनिक समीकरण लिखना है और इसे शुष्क अवस्था में किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो भाई अमोनिया बनाने की जो औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला विधि हमने अच्छे से समझाया है, उसको देख लेना। ठीक, और दूसरा इसी में पूछ लिया है कि अमोनिया अणु की चतुष्फलकीय आकृति को समझाइए, यानी उसकी स्ट्रक्चर बनाना है। तीसरा है कि अमोनिया की कोई दो रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो इसी क्वेश्चन को यहां से बच्चों खींच कर थोड़ा लंबा कर दिया भाई, पांच नंबर की बात है तो क्वेश्चन का पैटर्न जाहिर सी बात है थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों छे का खा, क्योंकि छे के का में दो क्वेश्चन है तो भाई अथवा में है एक करना है और खा में भी दो होंगे एक करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। तो इसका आपको IUPAC लिखना है, और IUPAC के बच्चों तो हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे वीडियो तो भाई एक वीडियो तो ऐसा है 1 मिलियन बच्चों ने देखा है, लगभग 1,000,000 से भी अधिक बच्चों ने। तो एक बार आप IUPAC कैसे IUPAC नामकरण कैसे करें वीडियो देख लेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भाई क्या है, देखिए दे दिया बच्चों राइमर टीमन या रीमर टीमन अभिक्रिया, असममित इथर क्या है,
विलियमसन संश्लेषण। तो जो 13 महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हमने कई बार बताया बच्चों, उसमें सभी समीकरण को बताया है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में देखिए क्या होता है जब, बहुत सारे बच्चों को समस्या इसी में होती है। लेकिन बच्चों अगर आप रिएक्शन वगैरह ये रटे रहेंगे ना रसगुल्लों, तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपको अथवा में करने की जरूरत ही नहीं। इसमें क्या होता है जब, या निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, भाई ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए पूरे चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद बात करें बच्चों ईथर, एल्कोहल, ठीक, और उसके बाद हम बात करें एमीन वगैरह, तो सारे और नाइट्रोजन युक्त यौगिक, सभी चैप्टर को आप अच्छे से एकदम घोर कर जब पी जाते हैं तभी जाकर के ये रिएक्शन आपके तैयार होते हैं। इसलिए कहेंगे वक्त नहीं है तो इनके पीछे मत भागिए, कि क्या होता है जब, इसके पीछे भागना ही नहीं है, अथवा वाले करने का प्रयास करना, उसमें ज्यादातर आपके रिएक्शन ही होंगे। तो इसमें क्या होता है जब, ये सारे क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना, ठीक, अगर आपका तैयार है तो और अच्छी बात है। चलिए अब आता है 7वां क्वेश्चन, 7वें के काम में देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए बच्चों टिप्पणी फिर से आ गया वही चीज, उट्ज फिटिंग अभिक्रिया, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक फिटिंग अभिक्रिया, तो इसको तो नहीं बताया बच्चों, लेकिन बाकी ये रिएक्शन है, ठीक है ना, तो एक बार देख लेना, एक दो और है उसको अच्छे से देख लेना, लेकिन 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमने बताया है। अथवा में देख लेते हैं बच्चों, अथवा में क्या दिया है, अथवा में कह रहा है कि क्या होता है जब, क्या होता है जबकि, कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित से अभिक्रिया होती है, यानी क्या होगा कि जब क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण होगा, हैलोजनीकरण, या फिर कह रहा है कि सल्फोनीकरण। भाई इसको नहीं याद है तो यहां पर मान लेते हैं, देखिए ये दिया गया है, ठीक है ना, तो इसमें आ जाते हैं खा वाले में, तो इसमें बताया ना बच्चों कि आपको इसीलिए याद करना है, इनको अच्छे से तैयार करना है, ताकि अथवा वाला भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे तो दिक्कत ना हो। तो ये का हो गया अथवा में, अब चलते हैं खा, तो खा में देखिए फिर से आपका संक्षिप्त टिप्पणी पूछ लिया है, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, इन सभी को बताया है बच्चों, ठीक, या फिर देखिए अथवा में है तो अथवा में क्या है दे दिया है बच्चों कि टालिन अभिकर्मक, फेहलिंग विलयन और मेथिल कीटोन का हैलो फार्म अभिक्रिया द्वारा अक्षीकरण। तो देखिए बच्चों टालिन अभिकर्मक, फेहलिंग विलयन, और उसके बाद इसमें अगर हम बात करें ल्यूकास परीक्षण, किडवन, सारे टॉपिक एक ही वीडियो में बताया है। अगर जिन्होंने देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाकर के बच्चों, हमने बता दिया ना कि 12th केमिस्ट्री कंप्लीट कोर्स, इस तरह से करके बच्चों आपका क्या है एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें सारे क्वेश्चन आपके हैं, और एक जो आपका न्यूमेरिकल वाला है उसको अलग से बताया है कि चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल। तो दोनों प्लेलिस्ट आप देख लेने बच्चों, बहुत ही ज्यादा इससे बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स की तरह इसमें टेक्निकल क्वेश्चन इतना नहीं होते हैं कि इतना घुमा दें, ठीक। इसलिए बच्चों आप विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर अच्छे से देख करके एक बार जाइए एग्जाम में बढ़िया तरीके से पेपर को सॉल्व करिए। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।